बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग ज़िशान लर्निंग हाउस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मिलिगन्स ऑयलर मेथड को स्टूडेंट्स हम बहुत ही इजी वे में एनिमेशन को यूज करते हुए अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें। So, 1909 के अंदर रॉबर्ट एंड्रयूस मिलिकन ने एक डिवाइस टेक्निक की टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स, उसने किया कैसे था? उसने ऑयल ड्रॉप्स लिए और उन ऑयल ड्रॉप्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में सस्पेंड करवाया। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वो एक्चुअल अपरेटस देख सकते हैं जिसको यूज करते हुए मिलिकन्स ने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये माइक्रोस्कोप है टू ऑब्जर्व द ऑयल ड्रॉप्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये एटमाइजर है जो कि ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है उन पहले प्लेट्स को ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके और इलेक्ट्रॉन जो है वो सस्पेंड हो सके। कंस्ट्रक्शन बनावट, यहाँ पर स्टूडेंट्स एटमाइजर लगा हुआ है जो कि इन ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अपर प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल जबकि लोअर प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, और स्टूडेंट्स इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, और स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन या इस ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप लगाते हैं। अपरेटर्स देखते हैं स्टूडेंट्स एनिमेशन के थ्रू। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें एक्सरे सोर्स है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैटरी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है इन पैरेलल प्लेट्स को, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये एटमाइजर लगा हुआ है जो कि ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, और नीचे देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप है जो कि इन ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इनर व्यू देखें तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स अपर प्लेट है और लोअर प्लेट है। अपर प्लेट के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा सा होलो नजर आएगा जो कि ऑयल ड्रॉप्स को वन बाय वन नीचे ड्रॉप करेगा, नीचे फॉल करेगा। वर्किंग प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स यहाँ पर एटमाइजर लगा हुआ है जो कि ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, दो बातें हैं। नंबर वन तो ये कि स्टूडेंट्स जैसे ही ऑयल ड्रॉप्स इस एटमाइजर से बाहर निकलेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से उन पर चार्ज आ जाएगा, और सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स कि हम एक्सरेज की बम्बारमेंट करवाएंगे जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप्स आयनाइज हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, ये आइसोलेट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बैटरी सोर्स जो कि इन पैरेलल प्लेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, और स्टूडेंट्स जैसे ही हम एटमाइजर से इलेक्ट्रॉन्स जैसे एटमाइजर से चार्जेस बाहर निकलेंगे, ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे, तो स्टूडेंट्स वो अपर प्लेट में जो होल्डर नजर आ रहा है यहाँ से वन बाय वन नीचे आएंगे। अब स्टूडेंट्स जैसे वो नीचे आएंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर ये करना है कि इन ऑयल ड्रॉप्स को सेंटर में यहाँ पर स्टूडेंट्स सस्पेंड करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम जो बैटरी सोर्स है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। जैसे हम बढ़ाएंगे और एक ऐसा लेवल लेके आएंगे कि जहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो, यानी हमारा जो प्रोवाइड करता फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ऑयल ड्रॉप वहां पर सस्पेंड हो जाएगा। आइए इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ऑयल ड्रॉप्स इस अपर प्लेट में से इस अपर होलो में से नीचे आ रहे हैं। अब देखिए ग्रेविटी इसको ट्रैक कर रही है तो कंटिन्यूसली वो नीचे फॉल कर रहे हैं। अब चूंकि हम उसको सस्पेंड करवाना चाहते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स यहां से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारे वोल्टेज है उसको हम चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया,
सो ये इलेक्ट्रॉन या जो ऑयल ड्रॉप्स है ये सस्पेंड हो गया किस कंडीशन में आके, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो गए। स्टूडेंट्स मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड की स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करवाया जा रहा है और ये दो पहले प्लेट्स हैं, अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अपर प्लेट चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगी, जैसे अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की जानब आएंगे अट्रैक्शन की वजह से। इन प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे हम डी से शो करते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करें। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस एरिया को जूम करें और माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस हिस्से को जूम करके देखें सो यहाँ पर आप देखें आपको ये जो ऑयल ड्रॉप है ये सस्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये सस्पेंड किस कंडीशन में हुआ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब स्टूडेंट्स मिलिकन ने एक और टेक्निक को भी यूज किया है कैलकुलेशन करने के लिए, वो ये थी कि स्टूडेंट्स ऑयल ड्रॉप को मिलिकन ने फ्रीली फॉल करने दिया और उसने ऑब्जर्व किया कि जो ड्रैग फोर्स है वो उस ऑयल ड्रॉप के वेट के इक्वल हो जाती है। यहां से स्टूडेंट्स उसने टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स किस तरह कैलकुलेट की, डिस्टेंस वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था इन प्लेट्स के दरमियान में और टाइम उसने कैलकुलेट किया वो टाइम जिसमें इस ऑयल ड्रॉप को अपर प्लेट से लोअर प्लेट में आने के लिए लगता है। स्टूडेंट्स उसने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो ही गॉट टर्मिनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स मिलिकन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को डिटरमाइन किया इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन देखते हैं और स्टूडेंट्स ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फुल कंसिडरेशन के साथ देखिएगा। यहाँ पर दो इक्वेशन बनती है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पता है, वो होता है क्यू इंटू ई के बराबर, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी पता है हमें, वो होती है एम जी के बराबर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम E इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे, वो होता है V ओवर D के, V पोटेंशियल डिफरेंस है, D डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर V। अब स्टूडेंट्स हमने चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं हमारे पास कौन सा फैक्टर अननोन है। जी 9.8 हमें मालूम है, डी डिस्टेंस है हमें इन दो प्लेट्स के दरमियान का ये भी हमें पता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है ये भी हमें पता है। तो स्टूडेंट सिर्फ मैस अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मैस की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके वी कैन गेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, ड्रैग फोर्स बराबर होती है वेट ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप। तो ड्रैग फोर्स फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 में हमने फार्मूला पढ़ लिया है 6 बाई ईटा आर इंटू वी टी और वी बराबर होता है एम जी के। अब स्टूडेंट्स हमने मैस को कैलकुलेट करना है ताकि मैस की वैल्यू यहाँ पुट करके हम चार्ज निकाल लें। अब इस इक्वेशन को देखें, मैस को फाइंड आउट करने के लिए हमें जी का पता है 9.8, 6 बाई ईटा कांस्टेंट है इनकी वैल्यू पता है हमें, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर। अब स्टूडेंट सिर्फ रेडियस बचता है, अगर हम रेडियस कैलकुलेट कर लें तो हम मैस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसी मैस की वैल्यू को हम यहाँ पुट करके चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन कर लेंगे। उसके लिए करेंगे क्या, हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, सो यहां पर मास को रिप्लेस कर देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आफ्टर सिंपलीफिकेशन। और यहां पर स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो है यहां पर चूंकि ऑयल ड्रॉप स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ के। सो इन सबको सिंपलीफिकेशन करने के बाद, कटिंग करने के बाद हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ये रेडियस की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो मास आ जाएगा, मास की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन सब में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकला वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कोलम, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। सो इट्स ऑल अबाउट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर को एनिमेशन और कैलकुलेशन के थ्रू अंडरस्टैंड किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से फायदा हुआ है तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़िशान लर्निंग हाउस प्रेस बेल आइकन एंड शेयर दिस चैनल टू मैक्सिमम टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. अल्लाह हाफिज़.